जैसा कि पिछले चैप्टर में देखा गया है, जॉन विक ने हाई टेबल से बदला लेने के लिए खुद को तैयार करते हुए अंडरग्राउंड में बोवेरी किंग के साथ शरण ली। जॉन ने हाई टेबल के हाईएस्ट लीडर एल्डर से स्वतंत्रता मांगने के लिए मोरक्को के लिए उड़ान भरी। एल्डर के सभी सहयोगियों को मारने के बाद जॉन आखिरकार उससे मिल सका। वह पुराने एल्डर का उत्तराधिकारी था। जॉन ने तुरंत एक बंदूक के साथ एल्डर को धमकी दी और अपनी स्वतंत्रता के लिए कहा, लेकिन एल्डर ने जवाब दिया कि जॉन को कुछ नहीं मिलेगा अगर उसने उसे मार डाला, क्योंकि उसकी जगह कोई नया एल्डर होगा जो उसकी जगह लेगा। जॉन के लिए इससे बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता मौत थी। ये सुनने के बाद जॉन ने अपनी बंदूक चलाई और एल्डर को मार डाला। एल्डर की हत्या के कारण कॉन्टिनेंटल न्यूयॉर्क के मैनेजर विंस्टन को मार्क्विस विंसेंट डी ग्रामोंट नामक हाई टेबल के हाई रूलर द्वारा निकाल दिया गया था। अब विंस्टन एक पुराना संचारक बन गया है। उसने न्यूयॉर्क पर अपनी शक्ति खो दी थी। डी ग्रामोंट ने कॉन्टिनेंटल होटल न्यूयॉर्क को उड़ा दिया और विंस्टन के गार्ड चारोन को मार डाला, जो उसका सबसे अच्छा दोस्त भी था। पेरिस में जॉन विक के पुराने साथी केन नाम के एक पूर्व असासिन को डी ग्रामोंट ने बुलाया था। वह कभी हाई टेबल का असैसिन था और रिटायर हो गया था। डी ग्रामोंट ने उसे जॉन विक को मारने के लिए भेजा। केन ने शुरू में मना कर दिया क्योंकि वह रिटायर हो गया था, लेकिन डी ग्रामोंट ने केन की बेटी को मारने की धमकी दी थी। उसके पास मिशन को स्वीकार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। जापान के ओसाका में कॉन्टिनेंटल में मिस्टर नोबडी नाम के शख्स को अपने और अपने कुत्ते के लिए होटल में कमरा बुक करते देखा गया। ओसाका में कॉन्टिनेंटल का नेतृत्व रिसेप्शनिस्ट के रूप में शिमाजू कोजी और उनकी बेटी अकीरा नामक एक मैनेजर ने किया था। अकीरा ने अपने पिता से कहा कि जॉन विक के साथ जो भी शामिल होगा वह निश्चित रूप से मर जाएगा। छत पर यह पता चला कि जॉन विक ने कॉन्टिनेंटल में शरण ली थी और कोजी से सुरक्षा मांगी थी। जॉन कोजी का पुराना दोस्त था। उसने जॉन को बताया कि जॉन द्वारा एल्डर को मारने के कारण न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल नष्ट हो गया था। इस बीच कॉन्टिनेंटल लॉबी में डी ग्रामोंट के असैसिन्स उसके राइट हैंड चिडी के साथ में आए थे और कोजी से मिलना चाहते थे। अकीरा ने तब चुपके से कर्मचारियों को होटल में सभी रहने वालों को बाहर निकालने का आदेश दिया। उसके बाद उसने अपने पिता को बताया कि जॉन विक को खोजने और उसे मारने के लिए हाई टेबल मैसेंजर आया था। केन को देखकर कोजी हैरान रह गया, जो अब हाई टेबल के लिए काम करता था। कोजी इतनी आसानी से हार नहीं मानना चाहता था। उसने हाई टेबल से लड़ना चुना और जॉन विक की रक्षा करने को तैयार था क्योंकि वे अच्छे दोस्त हैं। लड़ाई हुई, कोजी और उनके गार्ड्स को घेर लिया गया। अकीरा को खबर मिली कि होटल पर हमला हुआ है। डी ग्रामोंट के असैसिन्स को इतने सारे होटल गार्डों से निपटने में कठिनाई हो रही थी और अंत में केन लड़ाई में शामिल हो गया। अपने अंधेपन के बावजूद केन एक कुशल असैसिन था। वह बहुत फुर्तीला और चतुर था। वह आने वाले दुश्मन के संकेत के रूप में डोरबेल का इस्तेमाल करता था। अकीरा और जॉन अभी भी हाई टेबल असैसिन से निपटने की कोशिश कर रहे थे। अकीरा को गोली मारी गई थी, इसलिए यह निश्चित था कि जॉन के लिए वह एक बोझ होगी। कोजी ने तब जॉन को वहां से भाग जाने के लिए कहा जब वह अकीरा को दूर ले जा रहा था। कॉन्टिनेंटल से भागने से पहले जॉन उस जगह पर घूम रहे कई असैसिन्स को मारने में कामयाब रहा। अभी भी अपनी बंदूक का उपयोग करते हुए जॉन ने लड़ाई में एक ननचक्कू का भी इस्तेमाल किया। उसका पीछा कर रहे कई असैसिन्स को सफलतापूर्वक खत्म करने के बाद जॉन आखिरकार अपने पुराने दोस्त केन से मिला। उनके बीच लड़ाई होनी ही थी। दोनों एक समान रूप से लड़ रहे थे। अचानक पहले दिखाया गया आदमी मिस्टर नोबडी लड़ाई के बीच में आ गया। उस समय हाई टेबल ने जॉन विक के इनाम को $20 मिलियन तक बढ़ा दिया था। अंत में जॉन मिस्टर नोबडी से मिला। उसका जॉन विक की मदद करने का कोई इरादा नहीं था। वह जॉन विक के इनाम के बढ़ने का इंतजार कर रहा था और अब वह जॉन को मार डालेगा। दूसरी ओर कोजी ने आखिरकार केन का सामना किया, जिसने उसके सभी गार्ड्स को मार डाला था। केन को उसे मारना पड़ा क्योंकि उसने जानबूझकर जॉन की मदद की थी। उनके बीच लड़ाई हुई, लेकिन दुख की बात है कि कोजी घायल हो गया था, इसलिए केन को लड़ाई जीतने में फायदा मिला। निश्चित रूप से वह कोजी को मारने में सफल रहा। कोजी को मारने के बाद केन ने अकीरा को जाने दिया क्योंकि उसकी भी एक बेटी थी और कोजी की बेटी को मारने का दिल नहीं हुआ। इस बीच जॉन ट्रेन स्टेशन पहुंचा और ट्रेन के अंदर अकीरा से मिला। वह घायल हो गई और भागने की भी कोशिश की। अकीरा ने पूछा कि वह अंधा आदमी कौन था और जॉन ने उत्तर दिया कि यह उसका पुराना साथी है। अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए अकीरा ने केन को खत्म करने का फैसला किया। न्यूयॉर्क में विंस्टन बोवेरी से मिला और अपने नष्ट हो चुके होटल को घूरते हुए विंस्टन ने बोवेरी से कहा कि वह जॉन विक से मिलना चाहता है। दूसरी ओर हाई टेबल दूत के रूप में अग्रदूत ने डी ग्रामोंट को सावधान रहने की सलाह दी क्योंकि उसके अनुसार जॉन विक को पकड़ने के लिए दो कॉन्टिनेंटल के विनाश की आवश्यकता नहीं थी। मिस्टर नोबडी को डी ग्रामोंट ने बुलवाया। वह इस बात को लेकर उत्सुक था कि मिस्टर नोबडी ने जॉन विक के ठिकाने का पता कैसे लगाया। मिस्टर नोबडी $30 मिलियन इनाम की मांग रखता है अगर वह जानना चाहता है, लेकिन डी ग्रामोंट ने उसे धमकी दी। उसने मेज पर चाकू से मिस्टर नोबडी के हाथ पर हमला किया और उसे $10 मिलियन के लिए चाकू निकालने या $30 मिलियन के लिए अपना हाथ कटवाने का विकल्प दिया।
मिस्टर नोबडी अपना हाथ चाकू से छुटाता है। विंस्टन से मिलने के लिए जॉन न्यूयॉर्क लौट आया। विंस्टन ने उससे कहा कि जॉन ने हाई टेबल को नीचे लाने की कितनी भी कोशिश की हो, वे उसका रिप्लेसमेंट ढूंढ लेंगे। उनके लिए परिणाम बहुत अधिक थे। विंस्टन ने जॉन को पुराने तरीके का उपयोग करते हुए डी ग्रामोंट के साथ एक द्वंद्व करने की सलाह दी, लेकिन शर्त यह थी कि चुनौती को क्राइम फैमिली द्वारा प्रस्तुत किया जाना था। अफसोस की बात है कि जॉन का अब कोई परिवार नहीं था, इसलिए विंस्टन ने जॉन को रुस्का रोमा के साथ अपने रिश्ते सुधारने का आदेश दिया। जॉन तब बलिन में उनके हेडक्वार्टर में एक और शिखर प्राप्त करने के लिए गया। इससे जॉन का सिंडिकेट की मेंबरशिप का पता चलता है। जब वे बलिन पहुंचा, तो वे लीडर से मिलना चाहता था। पता चला कि मिस्टर नोबडी उस जगह आया था। उसने डी ग्रामोंट को बताया कि जॉन बलिन के एक चर्च में था, लेकिन डी ग्रामोंट ने कहा कि अगर उसे पैसे चाहिए तो उसे जॉन को मारना होगा। जॉन विक द्वारा एल्डर को मारने के कारण रुस्का रोमा के पिछले लीडर की हत्या कर दी गई थी। पिछले लीडर की बेटी कैटिया को सिंडिकेट के लीडर के रूप में अपने पिता की जगह लेने का पद दिया गया था। जॉन ने एक साथ काम करने के लिए उससे मदद मांगी क्योंकि उनका एक ही दुश्मन था। जॉन ने कहा कि वह डी ग्रामोंट के साथ द्वंद्व करके हाई टेबल से लड़ना चाहता था, लेकिन उसे ऐसा करने के लिए सिंडिकेट से अनुमति की आवश्यकता थी। कैटिया ने तब जॉन की मदद करने का फैसला किया, लेकिन बदले में उसे अपने पिता के हत्यारे किला को मारना होगा। अगर वह ऐसा करने में कामयाब रहा, तभी वह उसे फिर से रुस्का रोमा के मेंबर के रूप में स्वीकार करेगी। जॉन को किला के हेडक्वार्टर ले जाया गया, जो एक नाइट क्लब है। जॉन अंत में किला से मिला, लेकिन वहाँ भी कैन पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। पता चला मिस्टर नोबडी उस समय वही था। मिस्टर नोबडी जॉन विक को मारने आया था, इसलिए किला ने उन्हें ये निर्धारित करने के लिए ताश खेलने के लिए आमंत्रित किया कि जॉन को मारने का अधिकार किसके पास है। ताश खेलते समय जॉन को सबसे कम कार्ड मिलता है, जबकि किला को सबसे ज्यादा मिलता है। तब उन्हें एहसास हुआ कि किला ने उन्हें धोखा दिया है गेम में गड़बड़ करके, इसलिए अब वे किला और उसके आदमियों को मारने के लिए मिलकर काम करने का फैसला करते हैं। किला भीड़ में भाग गया, लेकिन जॉन किला के पिछवाड़े पर गोली मारने में सफल रहा, जिससे उसका गुस्सा भड़क उठा और लड़ाई शुरू हो गई। जॉन टॉप फ्लोर से गिर गया, लेकिन वह जीवित रहने में सफल रहा, इसलिए किला ने अपने आदमियों को जॉन का पीछा करने का आदेश दिया। जॉन किला की ताकत का मुकाबला नहीं कर सका क्योंकि वह उससे बहुत कमजोर था, लेकिन इसके बावजूद जॉन किला को हराने में कामयाब रहा। किला को मारने के बाद जॉन ने कैटिया के सबूत के तौर पर उसका सोने का दांत ले लिया। इस बीच मिस्टर नोबडी, जिसके पास जॉन विक को मारने का मौका था, उसको केन ने रोका। जॉन ने किला के सुनहरे दांत को कैटिया को दिया। कैटिया ने जॉन को फिर से सिंडिकेट के मेंबर के रूप में स्वीकार कर लिया। कैटिया ने तब विंस्टन को जॉन की लड़ाई की चुनौती को डी ग्रामोंट के पास लाने का आदेश दिया। डी ग्रामोंट ने इस चुनौती को स्वीकार करने या न करने पर विचार किया और आखिरकार उसने इसे स्वीकार करने का फैसला किया। अगर जॉन जीत जाता है तो उसे हाई टेबल से आजादी मिल जाएगी और विंस्टन को अपना पद और कॉन्टिनेंटल वापस मिल जाएगा, लेकिन अगर जॉन हार जाता है तो उसे और विंस्टन को मार दिया जाएगा। वे दोनों लड़ाई के नियमों पर चर्चा करते हैं, जो बाद में पेरिस में किया जाएगा। एफिल टॉवर के पास आखिरकार दोनों पक्षों ने मुलाकात की और समझौते पर चर्चा की। हाई टेबल के दूत के रूप में अग्रदूत द्वारा संचालित शर्तों पर सहमति हो गई थी। वे साइकिल का चर्च में एक बंदूक से लड़ाई करेंगे। यदि जॉन समय पर नहीं आया तो जॉन और विंस्टन को मार दिया जाएगा, लेकिन लड़ाई में डी ग्रामोंट को फायदा हुआ। उसे उस लड़ाई में एक सहयोगी चुनने की अनुमति दी गई और उसने जॉन से लड़ने के लिए केन को चुना। अगर जॉन जीत गया तो उसे आजादी मिल जाएगी और विंस्टन को कॉन्टिनेंटल वापस मिल जाएगा। जॉन एक चर्च में प्रार्थना करने गया। अंदर उसकी मुलाकात केन से हुई। पुराने पार्टनर के रूप में उन्होंने इस तरह से समाप्त होने की उम्मीद नहीं की थी। दोनों को ऐसा करने के लिए विवश किया गया। हाई टेबल हेडक्वार्टर में अग्रदूत ने डी ग्रामोंट को चेतावनी दी कि उसने बाबायगा को चुनौती दी थी और वह खतरे में था। इस बीच जॉन बोवेरी के हेडक्वार्टर गया। बोवेरी ने जॉन को उसकी लड़ाई के लिए कुछ चीजें दी। दूसरी ओर डी ग्रामोंट जॉन विक के बारे में चिंतित था, इसलिए उसने जॉन विक के बाउंटी को बढ़ाने का फैसला किया। जो कोई सूर्योदय से पहले जॉन विक को मारने में कामयाब होगा, उसे $26 मिलियन मिलेंगे। सभी असैसिन्स का सामना करने से पहले बोवेरी ने जॉन को एक बंदूक और एक आर्मर सूट दिया। बोवेरी और विंस्टन जॉन को सैक्रेड कोर चर्च के जितना हो सके उतना करीब ले गए। कम्युनिकेटर ने जॉन विक को देखा और उसने ये सभी असैसिन्स को जानकारी फैला दी कि जॉन लड़ाई के लिए समय पर नहीं पहुंचना चाहिए। लड़ाई शुरू हुई। जॉन पेरिस गोलचक्कर से बचने में सफल रहा, लेकिन उसे लगातार असैसिन्स द्वारा निशाना बनाया गया, जिसमें डी ग्रामोंट का राइट हैंड चिदी भी शामिल था। जॉन जीवित रहने में सफल रहा। उसे कई असैसिन्स ने घेर लिया था, लेकिन फिर भी वह जीवित रहने में सफल रहा। मिस्टर नोबडी ने डी ग्रामोंट से जॉन विक के इनाम को फिर से बढ़ाने के लिए कहा ताकि वह जॉन विक को मार सके, लेकिन उसका अनुरोध अभी तक स्वीकार नहीं किया गया था।
मिस्टर नोबडी ने भी जॉन विक का पीछा करने वाले सभी असैसिन्स से बचने में मदद की। साइकिल कर चर्च के रास्ते में जॉन को कई हत्यारों ने रोक दिया, जिन्होंने जॉन को एक बिल्डिंग में घुसने के लिए मजबूर किया। बिल्डिंग के अंदर मिस्टर नोबडी ने डी ग्रामोंट से जॉन के इनाम को फिर से बढ़ाने का अनुरोध किया और अंत में डी ग्रामोंट सहमत हो गया। उन्होंने जॉन विक की इनामी राशि को $40 मिलियन तक बढ़ा दिया ताकि मिस्टर नोबडी जॉन विक का पीछा करे। जॉन और मिस्टर नोबडी के बीच एक लड़ाई हुई और जब जॉन विक द्वारा मिस्टर नोबडी को लगभग पीटा गया तो जॉन ने देखा कि मिस्टर नोबडी के कुत्ते को एक असैसिन गोली मारने वाला था, इसलिए जॉन ने कुत्ते को बचाने के लिए असैसिन्स को गोली मारने का फैसला किया और मिस्टर नोबडी को जाने दिया। चर्च पहाड़ी के ऊपर स्थित था, इसलिए जॉन को 220 सीढ़ियां चढ़नी पड़ी, लेकिन उन्हें वहां फिर से कई असैसिन्स ने रोक दिया। सूरज 10 मिनट में निकल जाएगा, लेकिन जॉन अभी तक नहीं आया था, जिससे विंस्टन चिंतित हो गया। जॉन सभी असैसिन्स को मारने में कामयाब रहा, लेकिन वह चिड़ी से मिला जिसने उसे फिर से सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। कैन, जो ऊपर जाना चाहता था, ने जॉन की मदद करने का फैसला किया और अंत में जॉन और कैन ने एक साथ काम किया जैसे वे पुराने दिनों में किया करते थे। केवल केन ही नहीं, मिस्टर नोबडी ने भी जॉन विक की मदद की क्योंकि वह अपने कुत्ते को बचाने के लिए उस पर कर्जदार था। डी ग्रामोंट के सभी असैसिन्स को खत्म करने के लिए केन ने एक पेंसिल का इस्तेमाल किया और अंत में मिस्टर नोबडी के कुत्ते द्वारा काटे जाने के बाद चिड़ी को मार दिया गया। अंत में जैसे ही सूरज उग रहा था, जॉन और केन शीर्ष पर पहुंचने में कामयाब रहे। अंत में लड़ाई शुरू होने वाली थी। पहले राउंड में उन्हें 30 मीटर का द्वंद्व करना था। दोनों की बाहों में गोली लगी थी, इसलिए द्वंद्व 20 मीटर तक जारी रहा। जॉन को कंधे में जबकि केन को पेट में गोली लगी थी। द्वंद्व फिर से 10 मीटर की दूरी पर जारी रहा। जॉन विक को गोली लगी जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। अंतिम दौर में डी ग्रामोंट ने केन के साथ स्थानों की अदला बदली की क्योंकि वह जॉन विक को खुद ही मारना चाहता था। पता चला जॉन ने अपनी आखिरी गोली का इस्तेमाल नहीं किया था। डी ग्रामोंट को उम्मीद नहीं थी कि जॉन की बंदूक में अभी भी एक और गोली है और जॉन ने उसे ठीक माथे में गोली मार दी जिससे वह खत्म हो गया। जॉन विक के विजेता के रूप में द्वंद्व समाप्त हुआ। अंत में उसे अपने ऊपर सभी इनामों से मुक्त कर दिया गया। विंस्टन को उनके पद पर लाया गया और केन और उसकी बेटी को मुक्त कर दिया गया। जॉन सीढ़ियों पर बैठकर अपनी शादी और जीवन के बारे में याद कर रहा था। जॉन आखिरकार सीढ़ियों पर गिर गया और ऐसा लग रहा था कि वह मर चुका है। बाद में बोवेरी और विंस्टन को अपनी पत्नी की कब्र के बगल में जॉन की समाधि के सामने विदाई देते हुए देखा गया, जो जॉन के कहने पर किया गया था। क्रेडिट सीन में केन अंत में अपनी बेटी से मिला। अकीरा भी अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए वहां थी। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।